अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूँ सिद्रा इकबाल. यकीनन हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, आराम हो, लग्जरी हो, और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी यू फील लाइक आप एग्जॉस्टेड हैं और आपकी ज़िंदगी में वो रिदम नहीं है जो आप चाह रहे हों. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लग्जरी की जब बात की जाए, आई थिंक इट्स मोर अबाउट अ फीलिंग. ख़ास तौर पर हम में से हर लोग जिस तरह कुछ लोगों की तरफ आप देख के बड़े हसद के साथ, थोड़े एनवी के साथ ये कहते हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी तो बड़ी शहाना शान है. हमारे घर में भी कोई ना कोई एक मेम्बर ऐसा होता है जिसको हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि यार शहजादे शहजादियों वाली ज़िंदगी है. चाहे वो छोटा सा बच्चा हो जो अपनी मर्ज़ी से सोता और उठता और खेलता है, या फिर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी छुट्टियाँ हों तो वो सुबह सुबह अपनी मर्ज़ी से आएगा, अम्मी से नखरा करेगा और कहेगा कि जी आज मुझे नाश्ते में ये चाहिए और रात के खाने में ये चाहिए, और उसके लिए तमाम की तमाम वो चीज़ें हुआ करेंगी. वो लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर कॉलेज में हैं और छुट्टियों के लिए अगर पेरेंट्स के पास आए हुए हैं, उनके भी इसी तरह नखरे उठाए जाते हैं. लेकिन बात असल में ये है कि अगर आप चाहें और अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को समेट लें और कुछ चीज़ों पे सोच लें, तो यू कैन ऑल्सो बी द क्वीन और द किंग ऑफ योर लाइफ. और ख़ास तौर पे हम इसी क्वीन लाइक बिहेवियर के बारे में बात करना चाहेंगे. मलका फूड्स अ न्यू यू नो ब्रांड दैट हैज़ कम इन, और वो आपको एग्जैक्टली यही कहता है कि फील लाइक द क्वीन ऑफ द हाउस. अब ये और बात है कि इस क्वीन को नई नई चीज़ें करने का भी शौक हो सकता है. हो सकता है उसको रोज़ वही बोरिंग खाना नहीं खाना, उसको चीज़ें कुछ ट्विस्ट के साथ चाहिए. तो ये सारी की सारी जो रेंज है वो आपकी हेल्प के लिए आती है. इसमें सॉसेस भी हैं, इसमें रेसिपीज भी हैं, इसमें बेसिक मसाले भी हैं. तो लिटरली लाइक अ क्वीन्स कैबिनेट, जिसमें आप कहते हैं कि जी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं और अपनी मर्ज़ी से उनको आप ब्लेंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं. यानी आपका दाल खाने का दिल नहीं चाह रहा या दाल विद अ ट्विस्ट खाने का दिल चाह रहा है, सो दैट्स व्हेन यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर रेंज. इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम में हमारे पास बहुत कुछ है. आज ये भी बात करेंगे कि कल हमने देखा, आई मीन इट्स अ कम्प्लीट स्विच ओवर, लेकिन सियासी मंजरनामे में भी ऐसा लगा कि कल इमरान खान साहब ने एक किंग लाइक एटीट्यूड किया. उनका भी एक दरबार सजा हुआ था और इस दरबार में हमने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे. अब सवाल ये पैदा होता है कि यूजुअली जब आप हेड ऑफ द स्टेट हैं और आप मीडिया से इंगेज कर रहे हैं, तो इसको समझा जाता है कि यू आर ट्राइंग टू टेक होल्ड ऑफ द नैरेटिव. यानी अगर मुल्क में इंतशार सी फिजा है, अपोजिशन आपके बारे में ये बार बार कह रही है कि जी ना इनमें सलाहियत है, ना इनके पास तजुर्बा है, और हमें ये हुकूमत पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही, यानी ऐसी बातें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की हर जमहूरी हुकूमत के लिए की गई है. लेकिन असल बात और मेरे ख्याल में जो ज़्यादा मुश्किल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब पे, उनकी इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे किसी को भी डाउट नहीं है. कोई ये नहीं कहता कि ये ईमानदार नहीं है, या कोई ये नहीं कहता कि इनकी नीयत नहीं है पाकिस्तान को सही करने की. जो बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा है वो इमरान खान एंड हिज टीम की इनएक्सपीरियंस के ऊपर है, यानी उनकी ना तजुर्बेकारी. और शायद इसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश में कल इमरान खान साहब ने एक मल्टीपल यू नो जर्नलिस्ट का इंटरव्यू दिया. लेकिन अगर कोई भी ये समझना चाहता है, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, कोई भी ये समझना चाहता है कि वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान इज़ सच अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू रन राइट नाउ, और जिस किस्म की बैटल फील्ड्स उनके सामने खुली हुई हैं, जिस तरह हमारा माशरा इंतशार का शिकार है, अगर आपने सिर्फ इसकी एक झलक देखनी हो तो आप कल का वो इंटरव्यू मुलाहिज़ा फरमाइए. सीनियर जर्नलिस्ट थे, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक तरफ बात शुरू होती थी करतारपुर के हवाले से, तो फिर दूसरी तरफ जरदारी साहब का जिक्र आ जाता था, फिर एनआरओ की बात होती थी तो पर अचानक से आप आप बात करने लगते थे मुर्गियों और अंडों की. तो इट डिड नॉट रियली अकर टू मी कि हमारा डायरेक्शन क्या है, और मेरे ख्याल में यही डायरेक्शन देना एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है. लेकिन ऐसा लगा कि इट वाज मोर लाइक अ कैजुअल चिट चैट, जिसको शायद ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन इस बारे में हम सीनियर सहाफ़ियों से भी बात करेंगे, और ये मेरी दानिस्ती एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगा, लेकिन हो सकता है लोगों का ख्याल इससे बरक्स हो, उनको लगा हो कि वाकई कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्योंकि मुझे लगा कि इन सवालात का जवाब देते देते ऐसा लग रहा था कि जर्नलिस्ट ऑन दी ऑफेंसिव हैं,
मीडिया में भी इस वक्त काफ़ी डिस्ट्रेस पाया जाता है, इन सवालात का जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं और मैं जर्नलिस्ट की भी इंटेंशन पे यहाँ पे डाउट नहीं करूँगी। मे बी व्हाट दे वांटेड टू डू वाज वाकई इन सवालात का जवाब निकले, लेकिन जिस तरह इन चीज़ों को एड्रेस किया गया ऐसा लगता है कि इट लेफ्ट मी मोर कन्फ्यूज। मुझे नहीं पता कि ये जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे क्या उनका उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ था, क्या उनको इमरान खान साहब बहुत काम लगे, क्या उनको लगा कि इमरान खान साहब ने उनके सवालात का वो जवाब दिया जो वो सुनना चाहते थे या जो जानना चाहते थे, इस पर भी मजीद बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्टली वी हैव एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का नाम आज पाकिस्तान है, लेकिन हम माजी को अक्सर विजिट करते रहते हैं, तो पीटीवी के ज़रा गोल्डन टाइम्स को विजिट करेंगे और हमारे बचपन में जो ड्रामे चला करते थे और उस वक्त का जो पाकिस्तानी ड्रामा था उसके बारे में बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग यादें कराची सेंटर पाकिस्तान टेलीविजन की हैं, उसके बारे में खसूसी तौर पर बात करेंगे। लेकिन ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज़ शो राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस खयाबाने मुजाहिद में कार में बम धमाके का मुकदमा, काउंटर टेररिज्म वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमारे पास आज बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले एक सस्टेन्ड एफर्ट इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हम करना चाहते हैं, जिसमें आई फील कि इट इज़ अ पैशन फॉर मी, इज़ कि हम आगे ही बढ़ाएं व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिशन ऑफ फूड। वैसे भी अगर आप पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें, ख़ास तौर पर बूढ़ों की तरफ देखें, इवन एडल्ट पॉपुलेशन को देखें, बच्चों को देखें, जो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको एक फ़ाल ज़िंदगी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारी डाइट में से मिसिंग है। और ये ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, कभी मुंह का जायका आड़े आ जाता है जिसमें हम समझते हैं कि नहीं जी कुछ चटपटा होना चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं जो हम खाना चाहते हैं। एंड द अदर साइड इज़ ऑफकोर्स कि हम लेबल्स को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। सो व्हेनेवर, और आजकल ज़िंदगी इज़ वेरी फास्ट, आपके लिए रोज़मर्रा का वक्त इतना निकालना कि आप खुद मसाले बनाएं पीसें, इट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ऑल गोइंग फॉर रेडीमेड पेस्ट, सॉसेज, रेसिपी मिक्सेस, लेकिन उनके लेबल्स को पढ़ना और ये इंश्योर करना कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वी हैव अनदर रेंज विच इज़ रिसेंटली बीइंग इंट्रोड्यूस, इसका नाम है मलका, और ये अपने आप को क्वीन ऑफ टेस्ट के तौर पर पोजिशन कर रही है। यानी अगर आपने ये मसाले या सॉसेस ट्राई नहीं की तो उनका कहना ज़रूर ये है कि यू विल फील कि दिस इज़ डेफिनेटली डिफरेंट। एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू नो कि बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ की बिरयानी, अब यहाँ तक सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, बाकी बिरयानी और ये लाहौर कराची की बिरयानी डिबेट विद आलू विदाउट आलू तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये लखनऊ की बिरयानी कैसे होगी? सो यू मस्ट गिव इट अ शॉट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो अच्छी चीज़ है कि इट्स ग्लूटेन फ्री एंड इट हैज़ नो एडेड एमएसजी। नाउ दीज आर बिग वर्ड्स जो हम अक्सर लेबल्स पे सुनते हैं, तो आज हमने सोचा कि वाई नॉट कॉल इन एन एक्सपर्ट टू एक्सप्लेन टू अस कि एमएसजी क्या है, उसके नुकसान क्या हैं। हम सुनते रहते हैं लेकिन प्रॉबेबली हमें इतनी आगे ही नहीं है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज छोटे छोटे बच्चे भी ग्लूटेन इनटॉलरेंट डायग्नोस हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इज़ इट बिकॉज ऑफ आर डायट, आर लाइफ स्टाइल, वी लर्न ऑल दैट एंड मोर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ेबा हक, यू आर ए PhD इन बायोकेमिस्ट्री और आप इस वक्त यू आर डायरेक्टर, यानी ना सिर्फ ये खुद PhD है बट नाउ शी काउंसल्स PhDs, शी टीचर्स PhDs जो लोग डॉक्टरेट परसू कर रहे हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, डाउ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेबा हमारे साथ यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले, बहुत सारे मसालों पे, चिकन बेस्ड क्यूब्स पे और चीज़ों पे हम MSG अक्सर सुनते हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस कि एक तो MSG कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना ख़तरनाक है, और जब हम ये क्लेम देखते हैं तो व्हाट डज इट मीन फॉर अस। बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे सबसे पहले जी। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका मिला कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूँ। सबसे पहले तो आपके जो सवाल हैं बहुत रेलेवेंट है कि MSG हाउ मच इट इज़ हार्मफुल, बट व्हाट इज़ MSG। फर्स्ट ये कि हमारी आवाम को ये तो पता चले कि MSG है क्या। MSG इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इट्स अ
अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन में होता है उसका सोडियम सॉल्ट बना दिया। लेकिन ये जो MSG है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि ग्लूटामिक एसिड, वो क्लेम करते हैं जी ये तो प्रोटीन है, ये तो अमाइनो एसिड है और आप ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये क्लेम करते हैं। बट द अमाइनो एसिड, ओके दिस इज अमाइनो एसिड विच इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी इटसेल्फ, लेकिन वो इसके आइसोमर्स होते हैं, वो डी आइसोमर्स हमारी बॉडी में होते हैं, एल आइसोमर्स नहीं होते हैं। और अगर एल आइसोमर्स आपने ले लिया तो वो हमारी बॉडी में कुछ नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर हार्मिंग इट। And what kind of harm are we talking about? वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। सही। वो हर उस जगह पे जाके रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा जहाँ पे उस डी अमाइनो एसिड को आना चाहिए था, उसको अपना काम करना चाहिए था और उसको जाके ब्लॉक कर देगा। सही। तो वो इट कैन, ग्लूटामेट इज एन न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अल्जाइमर्स कॉज कर सकता है इन लेटर एजेस, जो इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके बाद वो रिसेप्टर्स कम होते 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 डाउन रेगुलेट होते होते वो अल्जाइमर्स भी कॉज कर सकता है। इट कम्स टू माय माइंड कि क्या ये लेटेस्ट रिसर्च थी क्या, क्योंकि ये बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड है। मैं अगर पिछले 4-5 साल से देखूँ तभी हमने लेबल्स पर देखना शुरू किया है नो एडेड MSG। क्या इससे पहले नेग्लिजेंस थी, क्या इससे पहले यानी इस बात का इदराक नहीं था लोगों को, अब अचानक से व्हाई आर पीपल सो यू नो कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट? ये MSG इवॉल्व कैसे हुआ, ये शुरू से हम 4 तरह के टेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि जी ये खट्टा है, जी ये कड़वा है, सार एंड बिटर एंड स्वीट एंड सॉल्टी, हम ये करते आ रहे हैं। एंड देन इन 1908 ये एक जापानीज प्रोफेसर थे, उन्होंने ग्लूटिन, वीट का जो ग्लूटिन प्रोटीन होता है उसमें से ग्लूटामेट आइसोलेट किया एंड देन ही स्टडीड इट्स टेस्ट और वो टेस्ट निकला, इट वाज ही कॉल्ड इट अ उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट इज यू नो सेवरी एंड यू नो थोड़ा मीठा भी है और प्रोटीन, एग्जैक्टली प्रोटीन का जो आप फ्लेवर फिश और मीट का जो टेस्ट होता है ना स्पेशल, वो दैट टेस्ट, इट इज़ नॉट सार, इट्स नॉट सॉल्टी स्वीट, किसी में आप उसको नहीं कर सकते, इट्स अ स्पेशल टेस्ट, दैट इज़ उमामी। यानी अगर लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें, अगर आप बग़ैर मसाले के, बग़ैर नींबू मिर्च कुछ भी डाले हुए, आप अगर फिश को ग्रिल करते हैं विच वेन इट इज़ रियली मॉइस्ट और आप उसको खा कर देखें, और अक्सर आपको ये थाई जापानीज रेस्टोरेंट्स में मिल जाता है, दे रैप इट अप इन मीसू एंड दे गिव इट टू यू, वो जो टेस्ट होता है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप नहीं बता सकेंगे कि ये मीठा है नमकीन है, दैट्स उमामी। सो व्हेन उमामी टेस्ट वाज डिस्कवर्ड, यस दैट उमामी टेस्ट वाज डिस्कवर्ड एंड देन ही टेस्टेड इट विद सेवरल सॉल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सबके साथ उन्होंने किया। सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल एंड पैलेटेबल निकला सोडियम के साथ, तो फिर मोनो सोडियम एंड देन इन सुजुकी ब्रदर्स, ये जो थे सुजुकी कंपनी वाले, उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, डिस्पेंस करना शुरू किया इन 1909। सो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड टू गेट एडेड टू द रेसिपीज, आप कह रहे हैं अजीनोमोटो के नाम से उन्होंने वो करना शुरू किया था बैक इन 1909। उसके बाद से देन द ट्रेंड ऑफ फ्लेवर एनहांसर्स दैट इवॉल्वड और फ्लेवर इन्हांसर्स में फिर वो ये ग्लूटामेट तो है ही, इसके अलावा इनोसिटॉन, मोनोफॉस्फेट, क्विनाइल, जीएमपी, क्विनाइलेट, मोनोफॉस्फेट। डॉक्टर जेबा, मेरे पास वक्त कम है लोगों के लिए इसको आम फहम बनाने के लिए, जो पूरी हिस्ट्री डॉक्टर जेबा ने एक्सप्लेन आपको की कि 1908 में इसको आइसोलेट करने के बाद ग्लूटामेट को एक नया फ्लेवर डिस्कवर हुआ उमामी, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी रेसिपी मेकर्स के लिए, सॉस मेकर्स के लिए, बिकॉज उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी सॉसेस का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो अक्सर वो कहते हैं ना, जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर जायकेदार चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। मजीद पर रिसर्च से ये पता चला है कि ये जो एडेड MSG है, एक तो इसका नेचुरल फॉर्म है जो प्रोटीन में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जो ये केमिकल बना के जो ये लेटर ऑन अजीनोमोटो के नाम से भी सेल किया गया, जब इसको आप रेसिपीज में, सॉसेस में, मसालों में ऐड करते हैं, तो मसाला जायकेदार तो बहुत होता है, लेकिन लेटर ऑन बॉडी में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे आपने कहा कि नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, और बच्चों के लिए भी। अच्छा, आई हैव वेरी लिटिल टाइम डॉक्टर जेबा, मुझे
रख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्लूटेन यू फाइंड इन ऑल वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स, बार्ले राइस है, राइस है आपकी, रोटी में अक्सर होता है, हर तरह का ब्रेड और केक्स में ये पाया जाता है, और बहुत सारे बच्चे इसको अब नहीं खा पा रहे हैं, बल्कि बड़े भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गए। बच्चों में ज्यादा इंटॉलरेंस इसलिए होता है कि बच्चों के एंजाइम सिस्टम इज नॉट दैट मच डेवलप्ड, ओके, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप जितना ज्यादा ग्लूटेन लेते हैं ना, उतना ज्यादा इसका चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी इरिटेशन होगी। इट्स बेसिकली इट्स एलर्जी टाइप, ओके, ठीक है। ये जो, हाँ जी, अगर ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड अगर कोई होते हैं तो उनमें ये ज्यादा होता है, लेकिन अगर एक बेसिक बच्चों में, एडल्ट्स में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन अगर उससे बढ़ जाता है ना, तो फिर वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। दिस एलर्जी इलिसिट्स इम्यून सिस्टम, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है जीआईटी का जो लेयर है ना, जहाँ से, बल्कि मैं आम फैम बोलूँ तो एब्जॉर्प्शन जहाँ से होती है, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन जहाँ से होती है, वो लेयर फ्लैट हो जाती है। जब वो फ्लैट हो जाती है ना, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो बच्चे मैलनरिश्ड ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, सी, And I had a similar case in my family. मेरी एक नीस के साथ ये बकायदा हुआ कि वो बच्ची की ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसकी 3-4 साल से हाइट नहीं बढ़ी, उसका वेट नहीं बढ़ रहा था, एंड शी वॉज ईटिंग जस्ट फाइन, और फिर लेटर ऑन जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि शी इज ग्लूटेन इंटॉलरेंट, और अब उनकी डाइट में से तकरीबन सारी वीट बेस्ड चीज़ें निकालनी पड़ी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, खास तौर पर हमने इस सेगमेंट के लिए जिसमें हम इंफॉर्मेशन अबाउट MSG, अबाउट ग्लूटेन दे रहे हैं आपको, इसके लिए हमने सोचा कि वी कैन टेक अ फ्यू कॉल्स, तो आइए बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको आवाज आ रही है? हेलो I think the network has a little bit of a problem. You should use a good network. ये वो disruption वाली होती है, वरना ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं उससे कहीं और ही चले जाते हैं। So we had, आप अच्छा network इस्तेमाल करें, यू फोन का network इस्तेमाल करें, तो आपकी आवाज़ ज़रा clear आया करेगी। अच्छा जी, let's go on to our about discussion, और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे gluten intolerance की, तो डॉक्टर ज़ेबा, अक्सर ख़वातीन, और ये बड़ा common मसला आजकल हुआ हुआ है, PCOS का मसला है, सिस्टिक ओवरीज, और उसमें अचानक से वजन बढ़ने लगता है, और वन ऑफ द थिंग्स दैट इज यू बिकम ग्लूटेन इंटॉलरेंट व्हेन यू हैव PCOS, इस पे थोड़ी सी आपकी इसका इसका बेसिकली ये होता है कि सारा इम्यून सिस्टम बेस्ड है ना, इम्यून सिस्टम जब कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो ये सारा ग्लूटेन इज द प्रोटीन, इट्स द एग्जोजनस प्रोटीन, और विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट मच बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, और फाइटेट भी होते हैं सारी न्यूट्रिशन में, जिसके अंदर क्या होता है कि वो एंटी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट इस तरह कहलाते हैं कि वो आपकी जो फेवरेबल न्यूट्रिशन है उसके साथ बाउंड करके उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देते। ओके, सही है। ओके, तो अगर आप उसको जरा, तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमें अक्सर कहा जाता है ना कि बॉडी में जी फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दें, एंटी न्यूट्रिएंट्स आर द ऑपोजिट ऑफ दैट, आल्सो दे, आल्सो दे। तो अब उसको अगर आप स्लो हीट पे करके करें ना, स्लो हीट, तो वो ज्यादा सही हो जाते हैं, वो एंटी न्यूट्रिएंट्स गेट डिग्रेडेड बाय स्लो हीट, राइट, स्लो कुकिंग इसलिए बेहतर होती है, स्लो कुकिंग। ओके, आई थिंक दैट इज अनदर पॉइंट, दिस इज अ वेरी की फैक्टर। एंड नंबर टू, अगर आप गरम रोटी खाते हैं ना, आप ओबेसिटी की अभी बात कर रहे हैं, गरम रोटी अगर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज मच बेटर, मच मोर देन दी ठंडी रोटी। ठंडी रोटी में क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, उसका जो वीट और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका, दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेबा फॉर बीइंग हियर विद अस। आई नो दैट दिस साउंड्स वेरी वेरी टेक्निकल, लेकिन इसको आम फहम बनाने के लिए अक्सर जो जायकेदार चीज़ें होती हैं, जो रेडिली अवेलेबल चीज़ें होती हैं, वक्त की कमी के बायस हम उनको लेते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, खास तौर पर जो छोटे बच्चों की डाइट है। आप उनको, यानी मेरे ख्याल में पीपल लव फ्राइड फूड, नगेट्स, दिस दैट वॉट नॉट, और साथ में आप फिर सॉसेज भी खा रहे होते हैं, मेक श्योर कि द रेसिपी मिक्सेज, द सॉसेज दैट यू यूज आर ग्लूटेन फ्री, एंड ऑल्सो उसमें एडेड MSG नहीं है। ये दो चीजें हैं जो आप जरूर लेबल के ऊपर ध्यान दें और इसको देख के पढ़ें, एंड आई थिंक मलका फूड्स डज एग्जैक्टली दैट। अब एक ब्रेक की तरफ